हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PS 99 के इलाके अयूबगढ़ में। यहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब जनाब लाला रहीम की क़यादत में एक कुल कचहरी का इनकार किया गया है। यहाँ पर आवाम की भी बड़ी तादाद में जमा है जो कि अपने मसाइल जो है उनके सुनवाई कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जिम्मेदारान और रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम ने क्या शिकवे वगैरह किए हैं और आप इनके मसाइल हल भी करेंगे या क्या नहीं, या सिर्फ वादू तक महदूद रहेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना मैं आवाम के दरमियान में हूँ, 24 घंटे कुली कचहरी हमारे हल्के में होती है। तो यह आज अयूबगढ़ की जो दोस्त है, यहाँ की थोड़ी सी मसले मसाइल है, तो यहाँ इनके आवाम ने बुलाया हुआ था, तो मैंने इनकी मसले सुन लिया और इंशाल्लाह के जो है फौरन जल्द हल करेंगे। क्या मुतालबात थे आवाम के सामने, इन्होंने कौन कौन से मसाइल के सामने रखे? आवाम की ये मुतालबात है, ये जो मेन रोड ब्लॉक है इनको क्लियर करा दो। दूसरी नंबर पर आवाम की ये मुतालबात है, यहाँ की जो यहाँ से बेंसू की वाड़े ये ख़त्म करा लो। आवाम की ये मुतालबात हैं, यहाँ पानी की जो है चोरी का सिस्टम चल रहा है ये ख़त्म करा लो। आवाम की ये मुतालबात हैं, यहाँ जो कुंडा सिस्टम है ये ख़त्म करा लो। आवाम की ये मुतालबात है, जो सीवरेज की निज़ाम है इसको थोड़ा सा ठीक करा लो। आवाम का ये मुतालबात है, कह रहे हमारा MNA MPA गायब है, उसको ढूंढ करा के दे दो। आवाम की ये मुतालबात है, जो हमारे पे नायल वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, इनसे हमारी जान छुड़वाओ। आवाम की ये मुतालबात, देखो लोग उन शख्सियात को बुलाते हैं जो उसको समझते हैं, लोग उस आवामी लीडर को बुलाते हैं जो लोग समझते हैं यह आवाम की मसाइल को हल कर सकता है। तो उसको MNA MPA जो यहाँ से सेलेक्ट हुआ है वो तो गायब है, कभी वो दादू में अपनी धंधे के लिए नज़र आता है, वो कभी जो है शिकारपुर में अपनी मंशियात पुरुष को बचाने के लिए नज़र आते हैं, कभी कभार वो खच्चे में नज़र आते हैं अपनी डाकुओं के साथ, मलिर में वो नज़र आता है जो अपनी लैंड ग्रेबर की ज़मीनों को बचाने के लिए, तो वो आपको असनाबाद में ज़मीनों को कब्ज़ा कराने के लिए वो नज़र आता है। यहाँ आप यहाँ लोकल आदमी, आपका घर यहीं पर है, आपको कभी नज़र आया? तो वो कभी आपको न नज़र आएगा, न वो उस आवाम से कोई लेना देना है। उसको ये मालूम है एक ही दफ़ा हम जिस तरीके से हमारे को लोगों ने जितवाया है, तो दोबारा तो उसको जीतने की पोजीशन नहीं है, तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी नंबर पे आवाम की जुतों से उनका बहुत ख़तरा है, आवाम जो है आंतों में हंडे लेके 24 घंटे अपनी गाड़ी में तैयार रखे हुए, कहीं पर MNA MPA नज़र आ जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में इसलिए उस वक्त आते हैं जब आवाम सोया होगा और ख़बर लेता है उनकी कुछ मखबिर होता है। लाला रहीम तो यहाँ नहीं है, लोग कहते हैं नहीं है, लोग सो रहे हैं तो फिर ये आ जाता है कोई ख़ास घर में, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा लाला, जो अभी आपने ये वादे किए हैं, क्या ये वादे भी आप मुकम्मल करेंगे, इस वादे मेरे को ये बताएं, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी वादे किए हैं वो कभी गलत हुआ है, वो कभी गलत साबित हुआ? अभी देखिए नया कहता है उसने सिर्फ वादे किए हैं, काम नहीं हुआ आपसे भी है। मैं आपको ये बताऊं, मैंने यहाँ जो तरक्याती काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराया है वो किसी और जमात ने कराया कभी? तो जब पहले भी हम काम करा रहे करते हुए आ रहे, तो ये भी इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। आज कल जो कुली कचहरी के हवाले से बताएं कि आवाम के क्या मसाइल थे, क्या मुतालबात थे आपके सामने? देखें, आज की जो कुली कचहरी है ये अयूबगढ़ से मुतालिक तमाम लोग थे, मौजूदीन थे, तमाम बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, और उन्होंने अपने जो बुनियादी मसाइल हैं जो कि हल नहीं हुए हैं, मैंने अपने तकरीर में भी कहा है, जो कि यहाँ से मुंतखब अराकीन पार्लियामेंट जितने भी आए हैं 2002 से लेकर आज तक, वो तमाम नाअहल अराकीन पार्लियामेंट ने जो मसाइल हल नहीं किए, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमी ज़िम्मेदारान को बुलाकर इन आवाम ने वो मसाइल रखे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम जल्द अज़ जल्द अपने वादों पर पूरा उतरेंगे और मसाइल हल करेंगे। अच्छा, उनके लिए क्या पैगाम है जो यहाँ पर कहत मौजूद है, सिर्फ वादे करके चले जाते हैं और आते नहीं? देखें, बात यह है कि इससे पहले यहाँ से NA और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान आए हैं वो दो मरतबा MQM के आए हैं, उससे पहले MMA के, और अब जो 2018 के बाद आए हैं वो जिन दावों के साथ आए हैं
उन दावों के बरक्स वो 100% चल रहे हैं। एक तो उनके दावे झूठे और ऊपर से ये हम आप जिस मुतवस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए जो उन्होंने चीज़ें खुर्दनोश महंगी की है वो सबसे बड़ी मुसीबत है मैं समझता हूँ। मसाइल अब लोग भूल गए अपने बुनियादी, अब लोग महंगाई के लिए रो रहे हैं कि महंगाई का क्या हल निकलेगा, और मैं समझता हूँ कि अब वो यहाँ इस काबिल नहीं है कि आवाम के दरमियान आए और कोई बात कर सके, इस काबिल नहीं है, इसीलिए गायब है। इसकी जो कचहरी में जो अपने आवाम के सामने आप लोग पेश हुए, क्या आवाम आप लोग उससे मुतमइन है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के आवाम भुट्टो आज़म से मोहब्बत करने वाले आवाम हैं और भुट्टो साहब के हर सिपाही से मोहब्बत करती है, और ये हमारे लोग हैं वो हमसे मुतमैन हैं और हम इनसे मुतमैन हैं। इंशाल्लाह हमारा रिश्ता सदियों भर है और रहेगा इंशाल्लाह। जी अजी साहब, आज जो आपके पास कहदत आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आप उनसे मुतमैन इनके वादों से? जी इनके वादों से मुतमैन है, क्योंकि अब तक जो भी काम पीपल्स पार्टी ने किए हैं किए हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा जो अभी इन्होंने वादे किए हैं सीवरेज के लिए, लाइट के लिए, इंशाल्लाह जरूर होगा। क्या आपको पता है, क्योंकि जो भी कहदत आती है वो सिर्फ वादे तक नहीं, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। ठीक है जी, बिल्कुल ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। इन सब का ये कहना था कि हम जो वादे करते हैं उसको निभाते भी ज़रूर है, और यहाँ पर आवाम भी इनके वादों से जो है मुतमैन है, और आवाम का भी ये कहना था कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत से और यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे हम मुतमैन हैं, और हमें उम्मीद है कि वो हमारे मसाइल को जो है वो हल करवाएंगे। जी साथ चलाना है और इसके सीध में चलना है, पेट्रोल को आ लेना चाहिए कि आगे जो है ना पेट्रोल